आप लोगों ने सुन लिया होगा कि हाल ही में आपकी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। सबसे पहले आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं जो भी इंडेक्स निकलते हैं या फिर आपकी इस तरह की रिपोर्ट निकलती है, तो इसमें सबसे पहले तो आप लोग याद रखा करिएगा कि भारत की स्थिति क्या है, इसे जारी कौन करता है और आपके पड़ोसियों की क्या स्थिति है, नीचे से टॉप कौन कर रहा है, ऊपर से टॉप कौन कर रहा है और किन आधारों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की रिपोर्टें जारी की जाती हैं, ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखा करिएगा। प्रीलिम्स में तो आपके क्वेश्चंस बन ही जाएंगे, फिर चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो या फिर आपका सिविल सर्विस का हो, लेकिन जब आप लोग आंसर लिखते हैं या फिर आप लोग निबंध लिखते हैं तब भी आप लोग इन पॉइंटों को उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि महिलाओं की स्थिति पर आप लोग निबंध लिख रहे हैं तब भी तो आप लोग इस तरह के पॉइंट उपयोग कर सकते हैं वहां, और आप समझ सकते हैं कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में हमारी स्थिति हमारे पड़ोसियों से भी बुरी है। माना कि आप समझिए कि 156 देशों में 140वां नंबर मिला है, कहने का मतलब है कि आप समझिए कि एक क्लास में 156 टोटल बच्चे हैं, उनमें से एक आपका नंबर आता है 140वां, यानी कि आपने कोई टॉप नहीं किया है, यानी कि आप नीचे से लगभग टॉप कर रहे हैं, या कहने का मतलब है कि आपकी सबसे बुरी स्थिति है। आप लोकसभा में भी देख लीजिए, 17वीं लोकसभा में तो आप ठीक ठाक आप कह सकते हैं कि लोकसभा सदस्य आपके 78 हैं, 78 महिलाएं आपकी लोकसभा में चुनी गई हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और आप समझिए कि 50% के करीब आपकी जनसंख्या है महिलाओं की, लेकिन उनका आप मात आप समझ सकते हैं ना के बराबर एक तरह से राजनीति में आपको, और वैसे भी आप लोग हर क्षेत्र में भेदभाव इस तरह का देखने को मिलेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो समाज है ये पित्त सत्तात्मक है, इसके दिमाग में एक तरह से भरा हुआ है, समझ रहे हैं। इसी का परिणाम है आज भी आप लोगों को कई क्षेत्रों में भेदभाव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार तो आप लोग बात कर लीजिए, उसके बाद इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए ये हमारा प्यारा भारत एशिया में, और इसमें आप लोग देखेंगे तो ये आपका पड़ोसी श्रीलंका हो गया नीचे, ये म्यांमार हो गया, और यहाँ बांग्लादेश है, भूटान है, ऊपर चाइना है, नेपाल है, पाकिस्तान है, और ये अफगानिस्तान है। और याद रखिए अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है हमारी, और बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लगती है, ठीक है। और पीओके वाले हिस्से की आपकी लगती है अफगानिस्तान से, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। अगर हम लोग लैंगिक असमानता की बात करें तो लैंगिक असमानता का तात्पर्य होता है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से होता है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जा रहा है, और बेघर और समाज दोनों जगहों आप देखेंगे शोषण अपमान भेदभाव से पीड़ित होती हैं, और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया भर में हर जगह आप लोगों को पिछले है और हर जगह देखने को मिल जाएगा, आप लोग कहीं भी आप लोग जा सकते हैं। तो याद रखिए इसे आपका वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत 28 पायदान नीचे खिसक चुका है, ठीक है, और ये वैश्विक आर्थिक मंच निकालता है, ये भी आप लोग याद रखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वन स्टॉप सेंटर योजना, उज्ज्वला योजना, लैंगिक असमानता से संबंधित मुद्दे को संबंधित संबोधित करने हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ पहले हैं, यानी कि आप कहिए कि लैंगिक असमानता को मिटाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा एक तरह से कदम उठाए गए थे। और उज्ज्वला योजना आप समझ सकते हैं कि गैस सिलेंडर तो सबको मिल चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि उसे भरवा पाना कितना मुश्किल हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। वही हाल है कि गाड़ी तो हर कोई ले लेगा, लेकिन उसमें पेट्रोल डलवाना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा आप देखेंगे कि लैंगिक समानता के सिद्धांत को भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी जोड़ा गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की बात करें तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के बारे में इसे पहली बार वर्ष 2006 में WEF, यानी कि इसका कहने का मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो याद रखिए पहली बार कब, 2006 में, ठीक है। वनडे एग्जाम में भी डायरेक्ट ही क्वेश्चंस बन जाएगा, आपका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ कि कम से कम आप लोग 5 से 7 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा, कम से कम मालूम तो चल जाए कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसमें निम्नलिखित चार आयामों के मद्देनजर 156 देशों द्वारा लैंगिक असमानता लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। इसमें आपका शामिल है आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इन आधारों को ध्यान में रखते हुए एक तरह से
इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इंडेक्स में आप देखेंगे एक उच्चतम स्कोर होता है जो समानता की स्थिति, और जीरो निम्नतम स्कोर होता है जो असमानता की स्थिति को दर्शाता है। यानी कि एक के पास जो होगा उसकी अच्छी स्थिति है और जीरो के पास होगा उसकी स्थिति खराब है। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात करें हम लोग तो स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के मध्य सापेक्ष अंतराल में हुई प्रगति का आकलन करने हेतु एक सीमा का निर्धारण करना और वार्षिक मानदंड के माध्यम से प्रत्येक देश के हितधारकों द्वारा विशिष्ट आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित किया जा सकता है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की। अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग, तो दक्षिण एशियाई देशों में भारत का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। अगर आप लोगों को कभी अंदाजा लगाना है किसी भी क्षेत्र में, आप समझिए कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के बारे में या आपके यहाँ मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में, तो आप लोग इस तरह के इंडेक्स देख लिया करिएगा, आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि कितनी आज़ादी मिली हुई है आपके यहाँ। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि अभी जितने भी इंडेक्स निकाले जा रहे हैं उसमें से हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं, ऊपर से टॉप करने की बजाय नीचे से टॉप कर रहे हैं। भारत रैंकिंग में आप देखेंगे 156 देशों में 140वें स्थान पर आया है। तो याद रखिए आपका जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है इसमें भारत को कौन सा नंबर मिला हुआ है, 140। और दक्षिण एशिया के देशों में बात करें तो बांग्लादेश 65वें नंबर पर, हमारा पड़ोसी ही है, नेपाल 106वें नंबर पर, पाकिस्तान 153वें नंबर पर, यानी कि पाकिस्तान हमसे नीचे है। अफगानिस्तान की बात करें तो 156वें स्थान पर, भूटान 130वें स्थान पर, श्रीलंका 116वें स्थान पर। और आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हम अपनी तुलना थोड़ी कर सकते हैं, वो तो दुनिया जग जाहिर है कि पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में क्या स्थिति है, समझ रहे हैं। हमें तुलना करनी है तो अच्छे देशों से करनी चाहिए। अब वही हाल है कि अपने बच्चों की तुलना हम अपने यानी कि किसी क्लास के सबसे कमजोर बच्चे से करेंगे तो क्या स्थिति रहेगी, रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, और वैश्विक लैंगिक अंतराल इंडेक्स 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर था। और याद रखिए कई बार आपका यूपीपीसीएस में कई बार आपने देखा होगा कि लास्ट का भी पूछ लेता है, एक साल पहले का भी पूछ लेता है। तो याद रखिए पिछले साल आपको 112वां स्थान मिला था टोटल 153 देशों में से। ठीक है, राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें तो भारत के राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक में 13.5% की गिरावट आई है और महिला मंत्रियों की संख्या वर्ष 2019 में 23.1% थी जो 2021 में घटकर 9.1% रह गई। हालांकि अन्य देशों की तुलना में भारत द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया है और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में यह 51 नंबर पर है। ठीक है, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा प्राप्ति सूचकांक में भारत को 114वां स्थान प्राप्त हुआ है। और आर्थिक भागीदारी की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस वर्ष आर्थिक भागीदारी में अंतर 3% बढ़ा है। पेशेवर और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 29.2% तक घट गई है। उच्च और प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी 14.6% है और देश में केवल 8.9 फार्मों में शीर्ष पर महिला प्रबंधक हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि वहां अच्छा पद मिला हुआ है। ठीक है, भारत में महिलाओं की अनुमानित आय पुरुषों की केवल 1.5 है, आप यहां से समझ सकते हो। जो इस संकेत पर देश की वैश्विक स्तर पर 10 पायदान नीचे रखता है। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में एक महिला की औसत आय पुरुष की औसत आय से 16% से भी कम है और भारत में आप देखेंगे 20.7%। यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी हम लोग पीछे हैं। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में अगर हम बात करें सूचकांक में, तो इस पर भारत द्वारा खराब प्रदर्शन किया गया और भारत रैंकिंग में 155वें स्थान पर है। और इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन चीन का रहा है। रिपोर्ट प्रमुख कारकों के रूप में एक विषम लिंगानुपात की ओर इशारा करती है और लड़कों की चाय में पेशेवर पक्षपातपूर्ण तरीके से लिंग चयन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। आपने देखा होगा कि इस तरह के जो भी एक्सरे आते हैं या और भी जांच के, आप समझ सकते हैं कि जो भी मशीनें, जो भी एक तरह से तकनीक आई हुई है वो अच्छे के लिए आई हुई थी कि कम से कम मालूम चल सके कि बच्चा अगर है तो वो उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, समझ रहे हैं, ये सभी मालूम चल सके। लेकिन लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, ये जानना लगाना शुरू कर दिया कि पुत्री मतलब लड़की है या लड़का, अगर लड़की है तो उसे मतलब वहीं भ्रूण हत्या करवा देना और लड़का है तो ठीक है,
ठीक है, तो आप समझ सकते हैं उसी तरह हाल है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल अच्छी तकनीक है, लेकिन आप उसका दुरुपयोग करने लगे, व्हाट्सएप फेसबुक चलाने लगे, तो वही हाल हुआ। ठीक है, पेशवपूर्ण लिंग परीक्षण जैसी प्रथाओं के चलते प्रतिवर्ष गायब होने वाली बालिकाओं के 1.2 से लेकर 1.5 मिलियन मामलों में से 90 से 95% मामले केवल भारत और चीन में देखने को मिलते हैं। जो आप देखते हैं ना कि आपके स्टेट में आप देखते हैं लिंग अनुपात बहुत निचला रहता है, बहुत बुरा रहता है। देखिए ऊपर वाले ने तो सब आप समझ सकते हैं बराबर सब कुछ दिया है, लेकिन नीचे वाले कुछ हेर फेर कर देते हैं और इसी का नतीजा रहता है, समझ रहे हैं आप लोग। और इसके बारे में वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो क्षेत्रवार दक्षिण एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में से एक है, और जिसके बाद आप देखेंगे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका का स्थान है। और अफ्रीका आप जानते हैं कि एक तरह से गरीब देश है वहां अधिकतर। राजनीतिक सशक्तिकरण में सर्वाधिक लैंगिक अंतराल की बात करें तो राजनीतिक सशक्तिकरण में लैंगिक अंतराल सबसे अधिक है, और वैश्विक स्तर पर संसद की कुल 35,500 सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 26.1%। कुल 3,400 यानी कि 3,400 से अधिक मंत्रियों में केवल 22.6% ही महिलाएं हैं। आपने भी तो देखा होगा कि आपके यहाँ सरपंच को और सरपंच महिला बन जाती है, लेकिन उसे चलाता कौन है, तो वही हाल है। ठीक है, 15 जनवरी 2021 तक 81 देशों में से किसी भी महिला प्रमुख की नियुक्ति नहीं हुई है। बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पिछले 50 वर्षों में पुरुषों की तुलना में ऐसी महिलाओं की संख्या अधिक है जो राज्य के प्रमुख पदों पर नियुक्त हुई हैं। आप अपने ही देश में देख लीजिए, 1947 से आप समझ सकते हैं कि आज तक हमने एक राष्ट्रपति पद पर विधवा सिंह पाटिल और दूसरी इंदिरा गांधी मुख्य प्रधानमंत्री पद पर, और बाकी आप देख सकते हैं कि पुरुष ही पुरुष रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। आर्थिक भागीदारी की बात अगर हम लोग करें तो इसमें आप देखेंगे कि आर्थिक भागीदारी के मामले में सर्वाधिक लैंगिक अंतराल वाले देशों में ईरान, भारत, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, इराक और अफगानिस्तान शामिल है। अंतराल को भरने हेतु समय सीमा की बात करें तो लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में दक्षिण एशिया में 195.4 वर्ष और पश्चिम यूरोप में 52.1 वर्ष का समय लगेगा, अभी और समय लगेगा। ठीक है, और याद रखिए इस तरह की जो आपके संगठन है इनसे भी आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं हमेशा, तो इस तरह के संगठनों के बारे में भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा। वैश्विक आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और इसकी स्थापना 1971 में गैर लाभकारी संगठन के रूप में हुई, और इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जेनेवा में देखने को मिलेगा। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है। फोरम अपने सभी प्रयासों में शासन के उच्चतम मानकों को कायम रखते हुए जनहित में वैश्विक उद्यमिता का प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1971 जनवरी 1971 में। ठीक है, और ये कुछ आपकी रिपोर्ट भी निकालता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेगा, आपको दे देगा 4 रिपोर्ट, कह देगा इनमें से कौन रिपोर्ट नहीं निकालता है, WEF। तो इसके द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्टों की बात करें तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक वित्तीय स्पर्धात्मकता सूचकांक, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का प्रकाशन WEF द्वारा इंसीड और कर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किया जाता है। और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, ये सभी आपकी जो आपका वैश्विक आर्थिक मंच है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, तो यही कहानी आपकी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के बारे में। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने सभी आपके पक्ष देख लिए हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बारे में आप लोग सभी पॉइंट याद रख लिया करिएगा, क्या होता है कि इससे आप लोग आराम से अगर क्वेश्चंस बनता है तो उसका आंसर देने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और हाँ, इसमें आप लोग टॉप पर भी, और याद रखिए इसमें, ठीक है, आप लोग देखेंगे कि टॉप पर सबसे 3 देशों की बात करें तो आइसलैंड, उसके बाद फिनलैंड और आप नॉर्वे देखेंगे, और सबसे नीचे ले देशों की अगर बात करें तो इसमें आपको अफगानिस्तान 156वें नंबर पर है, यमन आपका 155वें नंबर पर, इराक आपका 154वें वर्ष पर, 154वें नंबर पर है। ठीक है, इन्हें भी आप लोग याद रखें, इनसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। ठीक है,